अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आई एम इरफान अली भट्टी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियड ऑन कराची। आज मैं आपको प्रिसन 4 जो कि 500 गज़ पे 500 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल है, उसकी स्ट्रीट टूर भी देंगे, उसकी करंट प्राइसेस के बारे में, उसकी सराउंडिंग के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त जो हम बिल्कुल सामने है, ये प्रिसन 4 की सेकेंड एंट्रेंस है और ये सामने जो आपको बहरिया का ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके नीचे से बहरिया की जो लेक गुजरेगी और या K4 का प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल इसके अंडर पास है, इसके नीचे से गुजरेगा। एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और ये भी बहरिया का एक देखने वाली जगह है। अच्छा, जैसे हम इसमें इंटर हों तो हमारे लेफ्ट साइड पे जो सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये लिबर्टी कमर्शियल का एरिया है और ये सारी हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी कमर्शियल एरिया में, और साथ में यहाँ से सारी प्लॉटिंग शुरू हो गया है। रोड नंबर 13 या रोड नंबर 13 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे आप पोजेशन लेके अपना घर अभी बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 25 से 30 या तकरीबन 30 प्लस घर अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, या कोई 10 से 15 घर ऐसे हैं जो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बहरिया की लोकेशन के हवाले से सबसे बेस्ट प्रीसेंट है 500 स्क्वायर यार्ड का। और अगर आप बहरिया की इसके डिस्टेंस का मेन गेट से इसकी डिस्टेंस की बात करें तो मेन गेट से जस्ट जैसे आप हेड ऑफिस की तरफ आएँ, दो मैक्सिमम 2 या 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह वाकई है और हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ एडजेसेंट में है। इसकी लोकेशन की बात बताता चलूँ, हेड ऑफिस बिल्कुल साथ है, इंटरनेशनल थीम पार्क जो सेंट्रल पार्क है वो भी इसके बिल्कुल साथ में है, हेड ऑफिस भी पास है, साथ में जो मिडवे ए और बी साइड वो भी इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट में है। और ये आपको सामने जो इतने जो घर बने हैं या जो बिल्कुल इसके लूप रोड पे बाहर वाले साइड पे कमर्शियल बनेंगे या हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी जिसमें फ्लैट्स भी हो सकते हैं और शॉप्स भी या ऑफिस वगैरह भी हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने, उनके बिल्कुल सामने भी घर बन चुके हैं। और साथ में इसका जो है इसके एडजेसेंट में प्रीसेंट 6 और 8 है, साथ में बैरी हिल्स भी इसके साथ एडजेसेंट है। और प्रीसेंट 4 लोकेशन वाइज बहुत अच्छी लोकेशन पे है, हाइटेड एरिया है, कुछ इसका बैक साइड का डिप्रेशन का एरिया है लेकिन वहाँ पे रेट्स भी एज इट इज़ थोड़े लो हैं। और ये आपको मेरी राइट और लेफ्ट साइड पे इसका करंट स्टेटस लगता है। और ये जो प्रीसेंट है ये एक अच्छी सर्विस पे था, लेवल पे सर्विस था, इसकी कोई इन्होंने बहरिया के बाद में फिलिंग नहीं की है। कुछ प्रीसेंट ऐसे हैं जिसको बहरिया के बाद में फिलिंग की है, लेकिन ये प्रीसेंट वो है कि इसको कोई फिलिंग नहीं की गई है, अपना रॉकी एरिया है, हार्ड लैंड है सारी की सारी, यहाँ पे बहरिया ने कोई फिलिंग नहीं की है। अगर आप यहाँ पे पोजेशन लेके अपना घर बना सकते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा डेप्थ में भी जाना पड़ेगा, लेकिन बहरिया ने सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी दी है वो ये है कि 500 गज़ पे 500 स्क्वायर यार्ड पे आप अपने घर के नीचे बेसमेंट बना सकते हैं। अगर आप बेसमेंट के हवाले से बहरिया में अगर कोई घर देखना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 से 4 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हमने घर बना के दिए हैं, उनको हैंड ओवर किए हैं। अगर आप विज़िट करना चाहें तो एक बार आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह जो जिन लोगों ने ये मतलब अपने घरों में नीचे अंडर बेसमेंट बनाई है हम इंशाल्लाह उसके भी आपको विज़िट करवा देंगे। और इस वक्त हम रोड 12 पे हैं, 12 पे हैं, इससे आपको जो हमारे राइट और लेफ्ट में जो घर बन चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी आपने वाकई तो इसका वो सारा मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे कितने घर अभी बन चुके हैं या कितने घर ग्रे स्ट्रक्चर में हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये है, अब इसके अगर मैं प्राइसेस के बारे में बताऊँ, मिनिमम तकरीबन 1 करोड़ पैसे लेके इसमें और मैक्सिमम तकरीबन 1 करोड़ 60-65 लाख तक का यहाँ पर रेट है। और अगर आप जो है मेन हेड ऑफिस के पास का लेंगे या जो इसकी जो फ्रंट वाली स्ट्रीट है उनकी ज़्यादा डिमांड है, या पार्क फेसिंग लेंगे कॉर्नर लेते हैं तो उसका एज इट इज़ रेट भी ज़्यादा होंगे। अगर आप थोड़ा बैक साइड का लेंगे तो वहाँ पे रेट्स में थोड़ी कमी है। और इसी तरह से मैं आपको कुछ एक दो स्ट्रीट का टूर और दे देता हूँ जिससे आपको आइडिया लेना इजी हो जाएगा क्या है कि हमें प्रीसेंट 4 में बाइंग करनी चाहिए नहीं। प्रीसेंट 4 में बाइंग इसलिए हमारे ये हमें एक हमारे बहुत से क्लाइंट्स ने कॉल की कि आप प्रीसेंट 4 का टूर लाजमी दें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त बहरिया में एक अच्छे रेट्स जा रहे हैं, लोग इस वक्त बाइंग करना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने आउट ऑफ कंट्री हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी सोच है कि उनको कैसी कोई ऐसी जगह देखें जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान से बाहर जो भी हैं वो एक अच्छी जगह पर रहते हैं, और जब वो पाकिस्तान में आते हैं उनकी सोच भी उनकी थिंकिंग होती है कि हम किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जो बहरिया की मतलब मेन गेट के एंट्रेंस से भी बिल्कुल पास हो और सेकेंड वहाँ पर सारी सारी सहूलियात फैसिलिटीज़ वगैरह अम्यूनिटीज़ वगैरह सारे पास में हों। तो ये जो प्रीसेंट 4 है रहने के हवाला से बहुत अच्छा एरिया है और सारी की सारी सहूलियत बिल्कुल पास हैं। अगर आपने कोई बाइंग करनी है तो यहाँ से अगर आप इम्तियाज़ जाना चाहें तो जस्ट विद इन 2 मिनट्स आप इम्तियाज़ मेगा मॉल जो फुली ऑपरेशनल उस पर जा सकते हैं।
और साथ में अगर आपने जो है हॉस्पिटल यहाँ से बिल्कुल भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के फासले पे है, बाकी डे एंड नाइट सफारी पार्क साथ है, जहाँ पे अगर आपने फिलिंग करवानी है पेट्रोल पंप वगैरह है वो भी, अगर आप अली ब्लॉक वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पे 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है। अगर आप चले जाएँ प्रीसेंट जो है 19 जहाँ पे 2-3 बेड फ्लैट्स हैं बहरीन ने, उसके साथ चलेंगे वो भी 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस है। मतलब यहाँ का मिड पॉइंट बनता है एक तरह का, ये सारी खूबसूरतियों के हवाले से, एमिनिटीज़ के हवाले से। और इसके साथ अगर आप कोई भी, अगर आपको बाइंग करनी है, यहाँ पे अभी कोई शॉपिंग वाली डिपार्टमेंटल स्टोर तो वैसे है नहीं, लेकिन मिडवे कमर्शियल ए और बी के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे बैंकिंग लाइन सारी शिफ्ट हो चुकी है मिडवे कमर्शियल ए में भी और बी साइड पे भी। यहाँ पे मेरे एक हेड ऑफिस है उसके अंदर भी बैंकिंग लाइन है, और सेकेंडली वहाँ पे ऑपटॉप भी है, KFC मैकडोनल्ड वगैरह, यहाँ पे आगा जूस कॉर्नर वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मिल आ चुकी है। तो इस हवाले से ये एरिया सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आपको कोई भी बाइंग करने का हवाला, तो वो वहाँ पे नहीं जाना पड़ता। जबकि सबसे इसकी खूबसूरती इस एरिया की है कि अगर आपको रात में भी कुछ खाने पीने के लिए जाना है तो साथ में मिडवे कमर्शियल के एरिया जो 24/7 ऑपरेशन रहता है, वहाँ पे आप जाके कोई भी चीज़ किसी वक्त भी अपनी जो भी ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो इस वक्त हम बाउंड्री सर्विस जो है इनका रोड 2 या 2A कह लें, इसके भी देख लेंगे, सामने वाला लास्ट लूप रोड है, वहाँ पे भी तकरीबन 8 से 10 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर है +9 2 3 20 20 28 166 मेरा नंबर है, और नीचे भी हमारे नंबर कुछ मेंशन किए गए। इस चीज़ के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बहरिया के बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से, रेंट के हवाले से, या मर्जिंग के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे किसी वक्त भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बहरिया ने जो यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पर मैप बनाता है या कोई जिसने भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसमें बहरिया से जब आप अप्रूवल लेते हैं तो बहरिया आपको 4 से 5 मैप देता है, उनमें से आपने एक मैप लेके उसमें से अपना सिलेक्शन करनी है। उस मैप में आप ये कर सकते हैं कि उसमें आपने ये देखना क्या है कि मैं अपने घर में फल नीचे कितने रूम बनाऊँ, ऊपर कितने बनाऊँ, या किचन नीचे रखूँ 2, या नीचे डर्टी किचन सेपरेट कर लूँ, या पाउडर रूम वगैरह जो भी है, तो उसमें ये सारे जो है डिफरेंस वगैरह होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ पे खूबसूरती है कि अगर आपने जहाँ पे किसी भी ऐसी स्ट्रीट में घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं जहाँ पे कोई भी घर नहीं बना हुआ, जो आप सबसे पहले अपना घर बनाएंगे शुरू में, जो आप मैप सेलेक्ट कर लेंगे, तो बाकी जितने भी उस स्ट्रीट में उस रोड पे जितने भी घर बनेंगे वो सारे के सारे आपकी घर की तर्ज के बनेंगे, सेम वही शेप होगा, वही साइज़ होगा, वहाँ पे वो किसी भी फ्रंट एलिवेशन में चेंज नहीं कर सकते। बहरिया ऑलमोस्ट 3 से 4 एलिवेशन देता है। जो मेरे सामने वाले घर है इसकी फ्रंट एलिवेशन लग रही है आपको नज़र आ रही है, तो ये एक सेकंड बहरिया का ऑप्शन है जिसमें कंप्लीट टेरेस बहर की तरफ आया था। इसमें तकरीबन 6 to 7 रूम्स हैं, 3 या 4 बेडरूम्स नीचे होते हैं और 3 बेडरूम नीचे होते हैं और 4 बेडरूम्स ऊपर होते हैं, तो ये एक सेपरेट टेरेस वाला एरिया है। अगर इसमें अगर सेकंड को ही आप देखेंगे तो उसमें लॉन्ग टेरेस आया था, ये छोटा सा ना टेरेस दिया है या बालकनी दिया है, जबकि इसका जो दूसरा मैप उसमें लॉन्ग टेरेस आया था। तो ये एक स्ट्रीट टूर था, मैंने आपको तकरीबन 5-7 स्ट्रीट का या रोड्स का टूर दे दिया है। तो इस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी हो, मैं ऑलरेडी अपना नंबर बता चुका हूँ, +9 2 3 20 20 28 166 मेरा नंबर है, और हमारा चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स इसको भी सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अस्सलाम वालेकुम।